तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि देखा होगा आपने कई व्यक्ति जो मर्डर कर देते हैं उनके बारे में, जाके उसका क्या होता है, जाके कितनी सजा होती है, कौन सा सेक्शन लगता है उनपे। तो इस पर दोस्तों, इस पर सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें के लिए आपको IPC का जो सेक्शन 300 है उसको जान लेना बहुत जरूरी, क्योंकि वो हत्या के ऊपर जो बात होती है किसी भी तरीके से की गई उन पर लगता है। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने होश और आवाज में जानबूझकर किसी की जाके हत्या करता है, पूरी प्लान से जाता है, मारने की अपने मन में मारने की ठानने के बाद जाता है और उसको जाके हत्या कर देता है उसकी। तो दोस्तों, ये बात अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाती है, जिस तरीके से वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जाके प्रूफ हो जाता है ये, अगर कि इसने अपने होश और आवाज में हत्या की है, तो उसमें आपको धारा 302 लगाई जाती है। जो IPC की धारा है वो 302 लगाकर आपको इसमें सजा का रहता है दोस्तों, कि या आपको आजीवन कारावास। तो दोस्तों, क्या रहता है कि अगर जैसे आपकी जितनी एज है, जिस टाइम आपने किसी की हत्या की उस टाइम से लेकर आपकी जितनी एज बची हुई है, तो वो सारी एज आपको बाकी की जिंदगी आपको जेल में ही काटनी पड़ेगी। आपको कहीं ना बाहर जा नहीं सकते हो, ना किसी कुछ कर सकते हो, पूरी जिंदगी आपकी जेल में ही कटेगी। तो दोस्तों, कितना बड़ा ये एक तरीके से कह सकते हैं कितने बड़े कदम हो गया, अगर आप ये अगर किसी की हत्या करने जा रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में एक बार सोचना कि उनका बाद में क्या होगा, और अगर ये सारा सोच ले कि हमारे साथ बाद में आगे चल के क्या होने वाला है, आगे वहाँ जाएंगे और बाद में हमारी फैमिली का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अगर ये सोच ले तो क्राइम काफ़ी हद तक कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, सारा कुछ देख कर समझ कर किसी भी कोई भी स्टेप है उसे तब उठाएं, उससे पहले ना कुछ करें कुछ, और क्राइम को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें, और क्राइम ना करें तो दोस्त देश भी बचा रहेगा, आपके घर वाले भी बचे रहेंगे, आप भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसे लगे वीडियो लाइक और कमेंट करके बताना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।